जी सर, यस सर, यस सर, यस सर। लास्ट टाइम हमने क्या बच्चे क्या रीड किया था, कहाँ तक हमने पढ़ा था, मुझे बता सकते हैं क्या टॉपिक? सही कम्युनिकेशन पढ़ा था, लैंग्वेज पढ़ी थी, हाउ इट वर्क्स पढ़े थे, फीचर्स पढ़े थे, यूनिवर्सल फैक्ट्स अबाउट लैंग्वेज थे, स्टीरियोटाइपिंग पढ़ी थी। सर हमने क्वांटिटी मीनिंग तक पढ़ा, लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स पढ़ा थी। चलें, यानी कि हमने लैंग्वेज का पार्ट को कंप्लीट किया अभी, ओनली वी हैव टू स्टडी ओनली द लैंग्वेज एस्पेक्ट्स। चलें मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको, तो इसको फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन शेयर हो गई है? जी सर। Yes sir. Yes sir. So let's talk about some of the recap of our last lectures. Okay, but we have studied. Without understanding the language, we cannot have the proper communication system, and we cannot have the process of the communication. First, we need to understand the language. Then we need to understand the power of the words in languages, because I told you people that language is very broader concept. It is not just about the written and spoken thing. Language is very you mean to say it is just the sea, and you have to stand in front of sea, and the sea has the unlimited water. So language is also just like that, because we cannot learn without language, we cannot think without language, we cannot talk about language, and these are the ultimate facts. It is not something that the theory, it is not something the imagination, it is not something like that I'm talking about in argument thing. No, I'm talking about the facts. Facts is the real thing, because without language we cannot speak, without language we cannot share our ideas, without language we can't even think. So that is why language is very important concept in our life. हमने कोई चीज को स्टडी करना है, हमने किसी चीज को बोलना है, हमने किसी चीज को सुनना है, हमने किसी चीज से अपने को आइडिया शेयर करना है, किसी किसी को जानना है और किसी से अपनी बात को शेयर करना है, तो हमारे पास डिवाइस क्या है किसी भी चीज काम को करने के लिए? क्या है डिवाइस हमारे पास? एनीवन? लैंग्वेज। लैंग्वेज डिवाइस, टूल तो लैंग्वेज है ना। जैसे आप लोग स्टडी कर रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट को, इंग्लिश के अलावा भी स्टडी कर रहे हैं, अकाउंटिंग को पढ़ रहे हैं और बीएस कॉमर्स में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस को पढ़े हैं या बीबीए में कुछ और जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जो आप लर्न कर रहे हैं उसकी डिवाइस क्या है, क्या चीज को लर्न कर? लैंग्वेज है असल में, तो वो लैंग्वेज के थ्रू आप सीख रहे हैं ना चीजों को। जी सर। डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं, अगर अकाउंटिंग है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप लोग? मैनेजमेंट, लेक्चर ऑफ लैंग्वेज। सो लैंग्वेज इज वेरी क्लोज टू साइकोलॉजी, बिकॉज if you talk about the human psychology, I told you that human psychology is just like the same whenever you are in the British, whenever you are in the United States, whenever you are in the Pakistan, India, the basic human psychology is just the same. Yeah, dressing may be change, culture may be change, but the basic universal laws of psychology are the same, because psychology is the study of the brain. What your brain thinks, how you think, why people think negative things, why people think positive things, these are the happening with your brain, or your brain communicate with your body, because your brain work is that the order and commands.
कि आपका ब्रेन आपको कोई एक एक्ट या करने के लिए कमांड देता है और उसके पीछे उसको सोच चाहिए होती है. तो इट इज सो मच साइकोलॉजिकल थिंग एंड इट इज सो मच साइंटिफिक थिंग विद इन योर बॉडी एंड योर ब्रेन. तो अगर वो मैंने आपको कहा था कि डिजायर पहले है कि एक्ट पहले है, ये चीजें शायद आप ह्यूमन साइकोलॉजी में ना पढ़े, लेकिन माय पॉइंट इज लैंग्वेज बिकॉज आई एम गिविंग यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज. सो आई विल एक्सप्लेन द साइकोलॉजी ऑन द बिहाफ ऑफ द लैंग्वेज बिकॉज वी आर स्टडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. सो इफ आई टेल यू पीपल दैट हु कम्स फर्स्ट द डिजायर और एक्ट, सो वी कैन से दैट द डिजायर इज बिफोर द एक्ट. डिजायर मीन कि आपके पास किसी भी काम को एक्शन करने के लिए पहले आपको उसकी ख्वाहिश चाहिए होती है, कोई उसके बारे में कोई सोच चाहिए होती है, फिर आप कहते हैं कि हाँ मैं चल रहा हूँ तो मैं जा किधर रहा हूँ, अपने डायरेक्शन को सेट करते हैं. समझ आ रही है? Yes, sir. रिपीट कर लें. इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं बताई कितनी वो, मैंने कोई मैथ का इतना कोई ऐसा फार्मूला तो नहीं बताया, लेकिन समझ आनी चाहिए. मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई भी काम करना है, आपको कोई भी एक्शन करना है, आपको जूम पे क्लास लेनी है, आपको खाना खाना है, आपको सोना है, आपको जागना है, कुछ भी काम करना है कि जाना है, तो सबसे पहले एक ख्वाहिश को डेवलप करना पड़ता है आपको अपने ब्रेन के अंदर. एक्ट पहले नहीं है, ये नहीं होता कि एक्शन पहले और डिजायर बाद में हुई थी, ऐसे हो सकता है? ये काम करना नहीं था. कोई ना कोई तो मैसेज जाता है ना उसको, बट ना एक्शन में भी बैड और पॉजिटिव तो बैड है गुड है वो बात की बात है, वो हम उसके तय में बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले कोई काम करने के लिए हमें अपने ब्रेन को मैसेज देना पड़ता है, अपने ब्रेन को एक उसका बिहेवियर बनाना पड़ता है. फॉर एग्जांपल आपको पता है कि 2 बजे क्लास होनी थी इंग्लिश की, तो आपके माइंड में ये मैसेज बार बार जा रहा था, तभी मुझसे बच्चे पूछ रहे थे, क्योंकि आपको पता था इस टाइम पे क्लास होती है, तो आपने अपने ब्रेन को वो डिजायर दे दी हुई थी, तभी उसने बार बार आपको ट्रिगर दे रहा था. तो आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिगर. तो ट्रिगर जब आप अपने ब्रेन को मैसेज देते हैं किसी काम का, तो वो आपको ट्रिगर देता है, हाँ भी तुमने मुझे मैसेज तो इस काम का दे दिया है, अब तो मुझे अमल भी करो. आप अमल ना करें वो आप बात की बात है, डिजायर इज देयर. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, कि दैट इज व्हाई वी से दैट लैंग्वेज इज मोर देन इम्पोर्टेंट देन साइकोलॉजी, बिकॉज साइकोलॉजी द साइकोलॉजिस्ट यूज द लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स टू अंडरस्टैंड द पीपल. एक साइकोलॉजिस्ट जो है, जो उसको डॉक्टर कहा जाता है ब्रेन का, मेंटल हेल्थ का, उसने कोई इलाज करना है, उसने कोई किसी को हील करना है, क्योर करना है, तो सबसे पहले वो अगले बंदे को अंडरस्टैंड करेगा तो उसको हील करेगा ना, उससे हालात पूछेगा या उसको उससे पूछेगा आपका एंजाइटी लेवल क्यों है, क्या वजह से, क्वेश्चंस करेगा, उसको जानेगा कौन सा फोबिया उसके अंदर एग्जिस्ट करता है. देयर हंड्रेड ऑफ फोबियाज आर देयर, तो उसको पता चलेगा ये फोबिया इसके अंदर है और इसके मुताबिक इसका क्योर जो है, इसका इलाज ये है. तो सबसे पहले तो वो आपको लैंग्वेज के थ्रू जानने की कोशिश करेगा, उसके बाद वो आपको हील करेगा, उसके बाद वो आपको एडवाइस करेगा. साइकोलॉजिस्ट ना भी हो, आपको कोई फ्रेंड भी हो, इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, वो आपसे शेयर करता है, यार ये एंग्जाइटी डिप्रेशन है मुझसे, ये काम जो है ना मेरा बड़ा दबाव है मेरे पास इस चीज के बारे में. तो सबसे पहले अगर आपका फ्रेंड वेरीफाई करता है, उससे और पूछता है, सारे हालात पूछता है, फिर आपके फ्रेंड के बारे में कोई ना कोई सलूशन आप उसको दे सकते हैं, इसका सलूशन ये हो सकता है, तुम परेशान ना हो, इसका सलूशन ये है, तो थिंग्स विल बी फाइन आफ्टर सम टाइम. ठीक है, तो आपने जरूरी नहीं कि आप एक साइकोलॉजी के क्लिनिक पे जाएं, तो साइकोलॉजिस्ट से आप इतनी सेशंस के बाद ये बात नहीं, मे बी योर फ्रेंड आपको फौरन वो हील कर दे और फौरन जो है आपका ब्रेन जो है वो एक कंफर्ट में आना शुरू हो जाए, आपकी थिंकिंग जो है वो डिप्रेशन से बाहर आना शुरू हो जाए. तो फ्रेंड सर्कल को फ्रेंड का आप टॉक अबाउट योर फ्रेंड, तो फ्रेंड इज नथिंग जस्ट लाइक सेज दैट कि व्हाट इज योर नेम, और आप उसे कहें कि माय नेम इज ज़ैद बिन बकर. फ्रेंड का मतलब क्या होता है कि आपके मुश्किल और आपके मुश्किल वक्त का और आपके आसानी वक्त का साथी हो, उनकी जब आपको कोई नीड हो या आपको कोई, तो वो आपके आपका हौसला बन जाए. तो इट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड. ठीक है, यू नीड टू वेरीफाई योर डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड, व्हाट यू से द मीनिंग ऑफ द फ्रेंड. तो फ्रेंड वही तो शख्स होता है जो हमारा, जब हम डाउनफॉल में जाते हैं तो हमें वो हमारे एज ए बैकबोन की तरह खड़ा होता है.
तो माई पॉइंट सारी बात तमहीद बांधने का मकसद क्या है कि इसके सबके पीछे एक लैंग्वेज घूम रही है, सबके पीछे एक लैंग्वेज का प्रोसेस अदा हो रहा है। इस वजह से हम ये कहते हैं, लिंग्विस्ट कहते हैं कि वी कांट इवन थिंक विदाउट लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज अपर देन द साइकोलॉजी, बिकॉज साइकोलॉजी वाले बंदे को जो डिवाइस यूज करनी पड़ेगी वो लैंग्वेज